नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सीएस के अग्रवाल। एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने 6% ऑफ किया था, वो GST 1 में 6% का रेट नहीं है तो भरेंगे कैसे? तो इन्होंने क्या किया, और हम लोग लगातार ये कह रहे थे GST 1 में ये ऑप्शन आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ये आप GST.gov.in के वेबसाइट में जाएंगे, होम में जाइए, होम में है ही आप, और यहाँ रिपोर्टिंग 6% रेट इन GST R1, इसको जब क्लिक करते हैं तो ये एक न्यूज आइटम आ जाता है। इसमें क्या क्या कहता है ये देखिए। ए न्यू रेट ऑफ 6% IGST और 3+3 CRS हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन सर्टेन गुड्स वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस डेटेड 31 मार्च। चेंजेस आर बीइंग मेड ऑन द जीएसटी पोर्टल टू इंक्लूड द रेट इन GST R1 एज ए टेम्पररी मेजर। टैक्स पेयर्स हु हैव टू रिपोर्ट गुड्स एट दिस रेट मे डू सो बाय रिसोर्टिंग द एंट्रीज इन द 5% हेडिंग एंड देन मैनुअली इंक्रीजिंग द सिस्टम कंप्यूटेड टैक्स अमाउंट टू 6%। हम लोग ये बता रहे थे कि या तो GST R1 0 फाइल कर दो, थ्री बी में 6% अमाउंट कैलकुलेट करके टैक्स जमा कर दीजिए ताकि इंटरेस्ट तो नहीं लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि B2B में सामने वाला क्रेडिट कैसे क्लेम करेगा। तो हमने ये कहा कि 5% और 1% में दो जगह भर दो। तो इन्होंने खैर ये एक न्यूज आइटम निकाल दिया कि भैया 5% सेलेक्ट करके उसमें मैनुअली 6% कर दीजिए। मैं अभी आपको दिखला भी दूंगा। दिस कैन बी डन बाय एंटरिंग द वैल्यू इन टैक्सेबल वैल्यू कॉलम नेक्स्ट टू 5% टैक्स रेट एंड देन इंक्रीजिंग द सिस्टम कंप्यूटेड टैक्स अमाउंट टू 6%। यानी कि जो सिस्टम कंप्यूटेड अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखला भी देता हूँ ये कैसे होगा। नेमली B2B, B2C और एक्सपोर्ट एज अपर दिस विल इंश्योर दैट करेक्ट टैक्स अमाउंट इज रिपोर्टेड इन GST R1। मीनवाइल दिस रेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द GST पोर्टल शॉर्टली। अब जो GST पोर्टल में जब ये रेट आ जाएगा तो आप ऑब्वियसली आपको ये GST R1 को अमेंड करना पड़ेगा। जो 5% में जो आपने एड किया था उसको अमेंड करके 6% में करना पड़ेगा। ये आपको B2B वाले में भी और B2C वाले में भी करना पड़ेगा। होगा कैसे मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ। देखिए अब ये नजर आ रहा है, इसमें हमने अभी दमन एंड दीव ऐड कर दिया, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट हो गया तो IGST में होगा। अब मैं ये 1 लाख जैसे ऐड किया 5% में, यहाँ पर सिस्टम कंप्यूटर इसको मैं 6 कर दूंगा और ये 6000 कर दिया और ये एक्सेप्ट भी कर रहा है, ये एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो आप कर सकते हैं। अगर ये मैं झारखंड करता हूँ तो इंट्रा हो जाएगा और झारखंड, देखिए ये झारखंड कर दिया। बड़ा सामान है ये, तो खास बात नहीं है। यहाँ पर मैं 3000 कर दूंगा, यहाँ 3000 ऑटोमेटिकली हो गया। मैं जो ऑप्शन दे रहा था न्यूज आने से पहले कि भैया 5 यहाँ हो गया तो ये तो 2500 ऑटोमेटिकली हो गया, 1 लाख यहाँ और ऐड कर दीजिए तो अपने आप ये 2500 5 3000। बाद में जब अमेंडमेंट आएगी तो करेक्शन कर सकते हैं। मैंने ये भी ऑप्शन दिया था, कुछ लोगों ने कर भी दिया होगा कि ये निल फाइल किया होगा GST R1 और 3B में एक्चुअल टैक्स अमाउंट जमा कर दिया होगा। GST R1 टाइम पे चला गया, लेट फीस नहीं लगेगी, टैक्स टाइम पे जमा हो गया, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बाद में अमेंडमेंट ही तो करना था और सामने वाली पार्टी को क्रेडिट मिल ही जाता, तो ये भी एक ऑप्शन था। लेकिन अच्छा हुआ कि एक न्यूज आ गई और न्यूज में हमने बता न्यूज वालों ने ये बता दिया कि भैया ऐसा करना है। तो करना क्या, हमें फिर से दोबारा 1 लाख और यहाँ 3-3 हजार कर दीजिए, बस यही करना। B2B है और B2CS है तो वहां पर भी वैसे ही करना है, वो भी देख लेते हैं। तो ये B2CS स्मॉल कर दिया, 1 लाख कर देता हूं मैं। यहां पर सेलेक्ट रेट मैं 5 करता हूं और यहाँ 5 की जगह मैं 6000 करता हूँ, ये हो गया और ये सेव कर दूंगा, सेव हो जाएगा। तो ठीक है ठीक है, टेम्प्रोरी मेजर के लिए इट्स ए गुड थिंग। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा था। दूसरा एक बात मैं और भी ये बताना चाह रहा था हम लोग। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। यहाँ पर आप शॉप में जाएंगे, लाइव कोर्स में जाइए, लाइव कोर्स में हाउ टू हैंडल GST नोटिसेस लाइक ए प्रो, ये कोर्स आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। और अभी 2200 का डिस्काउंट भी मिल रहा है, बहुत सारे एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसमें Volume 1 की किताबें, Volume 2 की बुक और फुल GST, क्योंकि ये GST Volume 2 में जो कुछ चैप्टर्स है जो हम लोग लाइव करेंगे और कुछ चैप्टर्स हम लोग रिकॉर्डेड करेंगे। तो ये जैसे ये GST Volume 1 3750 है, ऐसे ये आपको 6 मंथ की वैलिडिटी मिलती है, यहाँ पर 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे है अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं। अगर लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो उसके रिकॉर्डेड जरूर से आपको मिलेगी, तो इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए। इसके बाद हमने एक वेबसाइट और
बनाई हुई है जिसको हम लोग masterlearnings.com कहते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है, पर्सनली मेरे से फोन पे बात करनी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये हमने वेबसाइट बनाई हुई है masterlearnings.com, इस वेबसाइट को जरूर से आप विजिट कीजिए। इसमें जजमेंट में जाइए और हर एक जजमेंट को हमने चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है, जैसे जीएसटी आईटीसी, और हर एक जजमेंट को हमने पढ़ पढ़ के उसमें जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं उसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। मैं आपको दिखलाता हूं कैसे हमने किया। मान लीजिए जीएसटी आईटीसी में गया और इसमें गया, सप्लायर हैज नॉट पेड द टैक्स, तो इसमें हमने जजमेंट को एनालिसिस इसी पीडीएफ में किया हुआ है और इस तरह से हाईलाइट भी कर दिया है। फैक्ट्स ये देखिए येलो किया हुआ है, और जो वर्ड मीनिंग है वहां पर वर्ड मीनिंग अगर कुछ मुश्किल वाला है तो वो लिख दिया हमने। इस तरह से हमने पीडीएफ में भी एनालिसिस किया हुआ, तो काफी अच्छे तरह से लिखा, और धीरे धीरे इसमें जजमेंट्स हम लोग अच्छे अच्छे जजमेंट्स अगर आते जाएंगे हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें है। प्रोसीजर्स जब हम लोग जो जीएसटी लाइव क्लासेस शुरू करेंगे तो ये प्रोसीजर्स काफी काम आने वाले हैं। आज हर एक ऑफिसर को एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तभी असेसमेंट होगा, तभी 73-74 होगा, तभी समन इशू किया जाएगा, तभी शोकॉज नोटिस इशू किया जाएगा, तभी ऑडिट होगा। अगर वो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो वो सारा कुछ क्वैश हो सकता है। तो प्रोसीजर क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो प्रोसीजर का हमने एक एक सेंटर ने, कर्नाटका ने, महाराष्ट्र ने, जैसे महाराष्ट्र ने जीएसटी ऑडिट मैनुअल निकाला, कर्नाटका वालों ने जीएसटी ऑडिट मैनुअल निकाला, सेंटर ने डीआईएन निकाला, सेंटर ने जीएसटी ऑडिट मैनुअल निकाला, तो ये पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे आपके साथ। तो ये हमने बनाया हुआ है और आपको ये फ्री में, आप फ्रीली इसको आप देखिए, कोई इसमें अभी चार्ज नहीं ले रहे। 138 पेज का है, तो काफी इनडेप्थ क्लासेस होने वाली है, बहुत ही रिच क्लासेस होगी जो 1 जुलाई 2022 से जून में होगी, मॉर्निंग 6:30 to 8:30। अगर आप प्रैक्टिस में हैं, जॉब कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग है, सीएमए प्रैक्टिसिंग है, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स, एडवोकेट्स, अकाउंटेंट्स, आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको ये क्लास करनी होगी। और सीए फाइनल में हैं तो भी आपके लिए क्लासेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये ओपन चैलेंज है कि ऐसी क्लास और कोई नहीं करवा सकता। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे और क्लास में मिलेंगे। और कोई भी बात हो तो आप मुझे कॉल जरूर कीजिए, आपको नंबर आपके पास है ही।